नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे मांगुर मछली पालन के विषय में, जो कि हमने इस सीमेंट टैंक के माध्यम से मछली पालन किया, जो आप देख सकते हैं ये हमारा सीमेंट टैंक है। और इसमें मछली हमने 800 पीस डाला था, 800 पीस मांगुर मछली डाला हूँ, और ये लगभग 7 से 8 महीना में इसका रिजल्ट है। तो मैं बताना चाहूँगा, मछली पालन तो बहुत प्रकार से होता है, तालाब के माध्यम से होता है, नदी के माध्यम से, पोखरा के माध्यम से, या नदी, मतलब मछली का स्रोत कहीं ना कहीं जल से ही जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा मछली है, साइज आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा मछली है। तो दोस्तों, ये इस बार का सबसे बड़ा मछली है। हाथ से उठाने में उठा नहीं सकते, ये ज़्यादा स्लिप करता है मछली, स्लिप। और ये मछली पानी में रहने वाला है, बहुत स्लिपरी होता है और जानबे करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज मैं इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा बात बताने वाला हूँ। मैंने मेरे साथ क्या क्या समस्या हुई, क्या क्या नई समस्या हुई, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो मांगुर मछली पालने का मेरा शौक काफ़ी पहले से है। तो मैंने सीमेंट टैंक बना के इसमें मछली पालन स्टार्ट किया। शुरू हमें लगा कि मछली पालन करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन वैसा बात नहीं है। इसका देख रेख करना सही तरीका से, वो चीज़ हमसे नहीं हो पाया। हालांकि समय लगा मछली में, लेकिन देख रेख सही तरीका से नहीं होने के चलते मांगुर मछली का लगभग 1.25 क्विंटल के आसपास में इसमें उत्पादन हुआ। 800 पीस में 1.25 क्विंटल। मेरे पास बहुत सारा मछली का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाया, बहुत सारा मछली 400 पीस के आसपास में छोटा छोटा ही रह गया, जिसके चलते मुनाफा कम हुआ। अगर यही 450 पीस अगर 1 केजी के साइज का हो जाता, 200 ग्राम से 800 ग्राम तक भी हो जाता, तो मेरा मुनाफा ज़्यादा निकलता। तो ये कारण रहा। और हालांकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं इस टैंक में ज़्यादा केयर नहीं किया, ज़्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं होने के चलते इसमें अच्छा वृद्धि नहीं कर सका। सबसे माइनस पॉइंट है इसमें अमोनिया को हमने कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते अमोनिया कंट्रोल नहीं होने के चलते इसका ग्रोथ काफ़ी कम हुआ। तो अमोनिया का लेवल हमने चेक नहीं करने के चलते इसमें, और इसका हम शुरू से ही मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत मजाक वाला बात हो जाएगा, हंसी वाला बात हो जाएगा। ना हम इसमें पीएच लेवल नापे, ना TDS नापे, ना अमोनिया नापे। जैसा चल रहा है चलने दिया, इससे मेरा काफ़ी नुकसान हो गया। अगर मेरा प्लानिंग है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो पूरा सेटअप लगाने जा रहे हैं, जिसमें शुरू से ही जिस टाइप से बायोफ्लॉक में इस्तेमाल किया जाता है, वो सीमेंट टैंक में फ्लॉक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका वीडियो आपके बीच में जल्दी लाऊंगा, वो पार्ट बाय पार्ट होगा, सीरियल बाय सीरियल। आज मेरा मछली इतना ग्रोथ किया, इसमें अमोनिया चेक किया जा रहा है, पीएच चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। मैं आपको उस टैंक में आपको एकदम सीरियल बाय सीरियल दिखाते जाऊंगा। और अगर आप मछली पालन में अगर रुचि रखते हैं, तो मेरा वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ज़्यादा लंबा हम अब वीडियो नहीं बनाएंगे, 7 से 8 मिनट का ही हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो।
तो ये है, तो आगे का वीडियो इसी टाइप से है कि मैं बता क्या कारण बताया कि इसमें अमोनिया के चलते इसका ग्रोथ नहीं हुआ। हालांकि मछली बहुत ही ज़्यादा निकला, 850 हमने मछली डाला था जिसमें 450 मछली जिंदा मछली निकला। और ये बात है कि तालाब हो या टैंक हो, मछली कहाँ चल जाता है कोई अता पता नहीं है। आप रात में सो जाते हैं लेकिन रात में ही शिकारी शिकार करता है, तो बहुत सारा चिड़िया उड़िया आके रात में मछली को पकड़ के ले जाता है। और रात ऐसा समय है कि मछली ऊपर रहता है और चिड़िया को बहुत ही अच्छा मौका मिलता है उस समय शिकार करके मछली ले जाने का। तो इस तरह से मछली मेरा कम भी हुआ। हालांकि ये मछली ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि इसमें फायदा छोड़ के नुकसान है ही नहीं, है ही नहीं। तो आप लोग भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो मछली पालन से या तो तालाब बनाइए या तो सीमेंट, मेरा अगर सलाह बोलेंगे तो तालाब भी एक अच्छा माध्यम है जिसमें आप मछली पालन ढंग से कर सकते हैं। अगर तालाब है तो बेहतर है, बेहतर है, क्योंकि उसमें मछली की मोरलिटी कम होती है, मृत्यु दर कम होता है। मृत्यु दर अगर कम रहेगा तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा और ज़्यादा उसमें चारा खर्चा भी नहीं है। कुछ थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका अगर अपना लीजिएगा तो मछली पालन से अच्छा इनकम आप कर सकते हैं। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, मेरा 10 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। तो मैं कहूँगा अगर मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को बड़ा भी कीजिए, करने में थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि मैं आने वाला समय में आपके बीच में और अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। हालांकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि क्या इंटरेस्ट है लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं हालांकि अभी मछली पे ही वीडियो बना रहा हूँ, आने वाला समय में हो सके तो मैं ब्लॉग भी बनाऊँ और नया नया तरीका सोचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आने वाला समय में हम आपके बीच और ही अच्छा वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।